हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप भी IPL पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। बैंगलोर ने हैदराबाद को 10 रनों से हराया। कोहली IPL में एक ही टीम को 50 मैच जिताने वाले खिलाड़ी और कप्तान बने। जीत के हीरो चहल बेरस्टो और मनीष पांडे को किया आउट। महेंद्र सिंह धोनी ने CSK, गौतम गंभीर ने KKR और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को 50 मैच जिताए। देवदत्त पडिक्कल, प्रियम गर्ग और टी नटराजन ने डेब्यू मैच खेला। देवदत्त ने 42 बॉल पर 56 रनों की पारी खेली। तो RCB ने सीजन के पहले मैच में राइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया। RCB ने 164 का टारगेट दिया। इसके जवाब में हैदराबाद 19.4 ओवर में 153 रन पर ऑल आउट हो गई। जी हां दोस्तों, ऑल आउट हो गई। विराट कोहली लीग में एक टीम को 50 मैच जिताने वाले चौथे कप्तान हो गए। उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स, गौतम गंभीर ने कोलकाता नाइट राइडर्स और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को 50 से ज्यादा मैच जिताए हैं। धोनी CSK को 100 मैच जिताने वाले अकेले कप्तान हैं। RCB की जीत के हीरो स्पिनर युजवेंद्र चहल रहे। उन्होंने 18 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्होंने फॉर्म में चल रहे सनराइजर्स हैदराबाद के जॉनी बेरस्टो और मनीष पांडे को भी आउट किया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 71 रन की पार्टनरशिप की, जिसे चहल ने तोड़ा। 164 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत तो बेहद खराब रही। कप्तान डेविड वार्नर 6 रन पर रन आउट हुए। जॉनी बेरस्टो ने 61 और मनीष पांडे ने 34 रन बनाते हुए पारी को संभाला, लेकिन टीम को जीत न दिला सके। मैच में बेरस्टो को 3 जीवनदान मिले। RCB के फील्डर्स ने 40, 44, 60 के रन के निजी स्कोर पर बेरस्टो के कैच छोड़े। वहीं अगर बात की जाए देवदत्त के डेब्यू मैच की, तो उन्होंने 50 कम्प्लीट किया, 56 रन बनाए। एरोन फिंच 29 के साथ 90 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की। इसके बाद AV डिविलियर्स 51, लीग में अपनी 34वीं 50 लगाकर रन आउट हुए। बेहतरीन पारी की बदौलत RCB ने 5 विकेट पर 163 रन बनाए। हैदराबाद के विजय शंकर, टी नटराजन और अभिषेक शर्मा को 1-1 विकेट मिला। 6 महीने के बाद क्रीज पर लौटे कोहली ने सिर्फ 14 रन बनाए और 14 रन बनाकर आउट हो गए। टी नटराजन ने उन्हें राशिद खान के हाथों कैच करा दिया।